हिमाचल प्रदेश के शिमला में एबीवीपी की ओर से छात्राओं को शारीरिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन साहसी कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ने लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिशन साहसी के माध्यम से सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित किया है। शायद एक स्टूडेंट बॉडी द्वारा पूरे राष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अभियान है, सबसे बड़ा अभियान है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। शिमला में रिज पर आज हमने देखा कैसे माँ भारती के परचम तले, तिरंगे के परचम तले 1300 बेटियों ने प्रशिक्षण जो प्राप्त की उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया। कार्यक्रम में एसपी कुलू शालिनी अग्निहोत्री जी और साथ ही सेवानिवृत्त मेजर छवि जी आज यहाँ पर विराजित थी। महिला को इस प्रकार से सर्विंग ऑफिसर और जो ऑफिसर अब सर्व नहीं कर रही हैं, हमारी लड़कियों के सामने जब उपस्थित हुई तो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनी है। मैंने विद्यार्थी परिषद से ये भी आज निवेदन किया कि मिशन साहसी में जुड़ी हुई लड़कियां अगर किसी एक और लड़की को ये प्रशिक्षण दे तो ये कार्य घर घर परिवार परिवार पहुंचेगा। एसपी कुलू से मैंने विशेष निवेदन किया कि पूरी प्रक्रिया FIR दर्ज करने से लेकर कोर्ट तक किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी भी हमारी बेटियों को दी जाए और टेक्नोलॉजी का कैसे क्या इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि पुलिस प्रशासन तक पहुंचा जा सके, इसकी भी जानकारी न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बल्कि स्कूल्स में भी उपलब्ध कराए। अगर विद्यार्थी परिषद, और मैं खुश हूं कि विद्यार्थी परिषद ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। आपको बता दें कि एबीवीपी ने 12 से 23 अक्टूबर तक 8200 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए, नशे से युवाओं को दूर रखने एवं शरीर को फिट रखने सहित छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए ये प्रशिक्षण दिया गया। आज 1300 छात्राओं ने एक साथ रिज मैदान में मिशन साहस का प्रदर्शन किया। एसपीएन नैनीजून से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।